let us understand which are the new returns. What is the new return? First is RET one. Friends, one more thing. This new return system is as of now not going to change any of the composition returns which are applicable as of now. So basically, जो लोग credit लेते हैं, जो लोग reverse liability होती है, इनके लिए ये new return system है. जो लोग composition में हैं, उनके लिए as of now जो उनके return चल रहे हैं, वही चलेंगे. उनके लिए नए return system कुछ अलग से अभी तो नहीं बोला है. So पहला return RET one monthly. RET1 is a new return. Sorry, it's a return applicable from the 1st October. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, I am seeing annex 1 is a sales, annex 2 is a purchase. दोनों पे मिलाओगे तो RET1 बनेगा. ये होगा monthly. So ये तीनों return हमारा compliance बनेगा monthly. इसको बोलेंगे RET1. So RET1 में तीन है basically. annex 1, annex 2 and RET1 है. Correct? NX1 sales जैसे हमारा GSTR1 है, NX2 is a purchase जैसे हमारा GSTR2 और 2A था, and GSTR3 था वो है RET1. So ये applicable, ये form है monthly. So for all taxpayer by default this will be applicable for all taxpayer. I mean to say except composition. So for all taxpayer उनके लिए by default उनको RET1 monthly भरना पड़ेगा. ये कंपलसरीली एप्लीकेबल है अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है. अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मोर देन 5 करोड़ है तो मैंडेटरली यू हैव टू फाइल NX1 मंथली, NX2 मंथली एंड RET1 मंथली. करेक्ट? गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने पब्लिकली अनाउंस किया हम आपको वन रिटर्न पे आ रहे हैं. फ्रॉम 2-3 रिटर्न्स वी आर कमिंग टू वन रिटर्न. सो व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग, NX1 आपको फाइल नहीं करना है, अपलोड करना है. NX2 आपको फाइल नहीं करना है, अपलोड करना है. RET1 फाइल करना है. सो देयरफॉर वन फाइल वन रिटर्न ओनली वन. बट आई थिंक इट इज नॉट करेक्ट, दिस इज अ थ्री रिटर्न्स ओनली. सो दिस इज NX RET1 व्हिच हैज NX1 एंड NX2. इट्स अ डिसनेक्शन व्हिच गवर्नमेंट इज सेइंग, बट आई थिंक इट्स अ सेपरेट काइंड ऑफ रिटर्न ओनली. वी नीड टू फाइल ऑल दिस रिटर्न मंथली ओनली. The dates are going to be like NX1 we need to file by 10th of the next month. NX2 अभी तक date clear नहीं है, but शायद 17 तारीख होगी. 17th by 17th of the next month we need to finalize our NX2 and RET1 by 20th 20 तारीख next month. और ये by default होगा unless and until we opt for a quarterly return. There is a quarterly return system as well which I will discuss. So hope you understood what is RET1. So NX1 में मेरे सेल्स जाएंगे, NX2 मेरा परचेस होगा जो ऑटो पॉपुलेट देगा जिसमें मुझे एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है. हम आने वाले वीडियो में NX1 डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम इसमें थोड़ा समराइज समझते हैं. सो या आप लोग इससे अवेयर हो कि क्या फॉर्म्स है, क्या ट्रांजेक्शन अरेंजमेंट है. सो NX1 सेल्स, NX2 मेरा ITC एंड RET1 इज मेरा, दोनों को कंबाइन करके ऑटो पॉपुलेट आएगा कि भैया आपका ये सेल लायबिलिटी बनती है, आपका ये क्रेडिट है और ये नेट अमाउंट आपको आपके बैंक अकाउंट से पे करनी है. So this is RET1 monthly. Now second, again this is RET1 only, but this is a quarterly. This is quarterly. This is optional for taxpayer having their turnover in preceding financial year up to 5 crore. अगर मेरा turnover financial year 18-19 में 5 crore से नीचे है तो मैं RET1 quarterly कर सकता हूँ. आया समझे? Yes. So RET1 quarterly कर सकता हूँ. RET क्वार्टरली भरते वक्त मुझे क्या करना है, NX1 भी क्वार्टरली है, NX2 भी क्वार्टरली है और RET1 भी क्वार्टरली है. हाँ, हालांकि मैं ऑन डेली बेसिस इसको मैं डिटेल्स अपलोड कर सकता हूँ, NX2 और NX2 को मैं कर सकता हूँ, बट आपका ये फाइनल हो जाएगा क्वार्टर के एंड के बाद. सो इसमें NX1 मोस्ट प्रोबेबली क्वार्टर एंड के बाद, जैसे अक्टूबर टू दिसंबर जब ये लाइव होगा, अक्टूबर टू दिसंबर के लिए इसकी डेट होगी 10th जनवरी 2020. NX2 के लिए होगा 17th, most probably these dates which I am saying due dates is not yet finalized, but most probably यही date रहेंगे 17th January 2020 NX2 and RET1 will be I think 20th or 25th of January 2020. Form same है, सब कुछ same है, RET1, NX1, NX2, RET1, सिर्फ यहाँ पे quarterly होगा. हम जब file करने जाएंगे तो हमारा बाय डिफॉल्ट तो आएगा मंथली. हम अगर हम अलाउड है, एलिजिबल है, तो हम उसको क्वार्टरली सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम जीएसटी को क्वार्टरली करते थे.
बट फ्रेंड्स ये फॉर्म भले ही मेरा क्वार्टरली हो NX1, NX2 और RET1, बट मुझे टैक्स में मंथली करना है. दिस इज समथिंग विच गवर्नमेंट इज नॉट टेलिंग. गवर्नमेंट इज सेइंग वी आर कमिंग विद क्वार्टरली फॉर्म बट नो टैक्स पेमेंट मंथली. और टैक्स पेमेंट मंथली भरते वक्त उन्होंने बोला PMT08 करके फॉर्म है. PMT08 उस फॉर्म में आपको सेल्स देना है, उसकी लाइबिलिटी देनी है, परचेज उसका क्रेडिट देना है, डेट अमाउंट बताना है. 3B फॉर्म था उस टाइप का फॉर्म है. तो वो हमें PMT08 से मंथली करना है. सो जो लोग क्वार्टरली भी जाएंगे उनको अक्टूबर के लिए PMT08, नवंबर के लिए PMT08, दिसंबर के लिए उनको अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एक साथ उनका जाएगा NX1, NX2 एंड RET1. सो होप यू अंडरस्टूड दिस RET1 क्वार्टरली. नाउ थर्ड सहज GST RET2 सहज एंड अगेन अनदर फॉर्म इज सुगम. सो इनकम टैक्स में जो फॉर्म थे सहज एंड सुगम, सो उन्होंने नाम से ऐसे लगता है कि बहुत सिंपल फॉर्म हो गए, तो उस तरह से उन्होंने कुछ किया है. RET2 is SERS. Again, this is also quarterly form. आपको एक quarterly भरना है. इसमें भी NX1, NX2 है, but एक quarterly है. इसमें payment monthly है. SERS में भी और Sugam में भी. So, जो भी GST में जो taxpayer जिसको ITC लेना है, उनके लिए quarterly जो form बताए, उस सब में RET1 quarterly, SERS quarterly, Sugam quarterly, सब में tax payment monthly ही करना है. अभी हम समझते हैं कि RET1 और सहज में क्या डिफरेंस है. बेसिकली सहज गवर्नमेंट ने लाया है जिसका सिर्फ B2C सेल हो, जिनके केस में बाकी कुछ ज्यादा नहीं होता उनके लिए सहज है. सिर्फ B2C होगा और मेरा कोई बिजनेस में ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं सहज को ऑप्ट करूंगा. सहज फॉर्म थोड़ा छोटा है एज कंपेयर टू RET1. RET2 इज लिटिल स्मॉलर फॉर्म. Understood? Yes. Even NX1, NX2 भी जो है RET2 का वो भी कम है, उसके डिटेल्स रिक्वायर्ड. बट सर्स यू कैन गो फॉर सर्स ओनली व्हेन यू हैव कस्टमर लाइक B2C ओनली, तभी आप सर्स को जा सकते हो. सो आप सर्स के लिए कब जा सकते हो? आपका फाइनेंशियल ईयर 18-19 में टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम होगा और आपका टैक्स कस्टमर बेस सिर्फ B2C होगा, तभी आप जा सकते हो. करेक्ट? Now RET3 Sugam, RET3 Sugam, RET2 Sahaj, RET3 Sugam. अभी सहज और सुगम में डिफरेंस क्या है? सहज में सिर्फ आप B2C के ही कस्टमर के लिए आप कर सकते हो. अगर आपके B2B और B2C कस्टमर है, बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं आपका, तो आप ये सुगम को जा सकते हो. बट अगर आपका B2B है, B2C है, आपका इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, आपको मिसिंग आईटी से लेना है, तो आपको RET1 ही भरना पड़ेगा, एक तो मंथली तो क्वार्टरली. सो मैं सुगम में कब जाऊंगा? जब मेरे पास B2B है और B2C दोनों है. अगर सिर्फ B2C है तो मैं फिर सर्ज में जाऊंगा. सो RET3 इज सुगम, जहां पे मैं जाऊं मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है लास्ट ईयर और मेरा B2B B2C कस्टमर बेस है. सो दिस इज फोर्थ टाइप ऑफ न्यू रिटर्न. सो बेसिकली गवर्नमेंट ने 4 टाइप के न्यू रिटर्न बोले. RET1 मंथली, जिसमें NX1 NX2 आता है. RET1 क्वार्टरली, जिसमें NX1 NX2 आता है. यहाँ पे आपको मंथली टैक्स पेमेंट करना है RET1 क्वार्टरली में. RET3 Sugam, RET3 Sugam, इसमें भी NX1, NX2 है और मंथली टैक्स पेमेंट करना है. सुगम में हम जाएंगे जब हमारा B2B B2C हो बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो. सहज में जाएंगे जहां पे हमारा सिर्फ B2C हो, बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो. RET1 क्वार्टरली में कब जाएंगे? जो भी क्वार्टरली रिटर्न है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है 5 करोड़ से लास्ट ईयर टर्नओवर कम. RET1 क्वार्टरली कब जाएगा? टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो बट मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ हो. और RET1 मैग्नेटरी माय टर्नओवर इज मोर देन 5. सो होप यू अंडरस्टूड RET1 मंथली, RET2 मंथली, सॉरी RET1 मंथली, RET1 क्वार्टरली, RET2 सर्व, RET3 सुगम.